हेलो एवरीवन गुड इवनिंग तो जैसे हमने लास्ट टाइम ए सिक्चल रिप्रोडक्शन कम्प्लीट कर लिया है चैप्टर और चैप्टर में से एक टॉपिक तो इसके बारे में आई होप आपने ये सब कुछ रीडिंग कर लिया होगा जो मैंने आपको बताया था अबाउट लेयरिंग हो गया या फिर टिश्यू कल्चरिंग हो गया ये सब कुछ तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सो आई हैव अ फ्यू होमवर्क टिप्स फॉर यू ये जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं रिव्यू क्वेश्चंस ये आपको सॉल्व करने हैं ठीक है तो ये होंगे तो और ही अच्छा है खुद से करो थोड़ा सा काम है ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हर टाइम मैंने बताना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है तो नाउ एज़ यू नो कि सब लोग एन में भी बिज़ी भी रहने वाले हैं सो ट्राई एंड बी प्रोएक्टिव बाय योरसेल्फ एंड ट्राई एंड डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स बाय योरसेल्फ सेल्फ अभी ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को कहीं बाहर जाके क्लासेस वगैरह भी करने हैं सो so, प्लीज़ यूटिलाइज़ योर टाइम वेरी प्रॉपरली यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स ठीक है सो टेक योर टाइम एंड फिनिश योर वर्क तो आज थोड़ा सा थियोरटिकल पार्ट है और हम प्लांट रिप्रोडक्शन ख़त्म करने वाले हैं तो इसलिए वी हैव स्टार्टेड विद दिस सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसका इंट्रोडक्शन और कुछ थियोरोटिकल पार्ट हम कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट रिप्रोडक्शन सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू डिफरेंट सेक्सेज दैट इज मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्यूजन यानी जॉइनिंग ऑफ गैमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ठीक है which is genetically different from the parent now this is also very important okay so these few terms we have discussed uh, into our last zoom class Jab ki discuss about uh, मियोसिस राइट तो मीओसिस में मैंने आपको बताया था कि गैमेट फॉर्मेशन इंटू मेल एंड फीमेल सेल्स कैसे होता है ठीक है तो गैमेट फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि हाउ गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सिंगल सेल बाई द प्रोसेस ऑफ मीओसिस सो फ्रॉम वन सेल वी कन्वर्टेड दैट इज हैविंग टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वी कन्वर्टेड इंटू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड देन फर्दर कन्वर्टेड इंटू मोर गैमेट्स राइट तो ये जो एक गैमेट है दैट इज सपोज दिस इज अ मेल गैमेट तो ये मेल गैमेट विल गो एंड इट विल फ्यूज विद दी फीमेल गैमेट अनदर एन सेल ठीक है और इन दोनों के फ्यूजन के बाद क्या होने वाला है इन दोनों के फ्यूजन के बाद वन एवर दे विल फ्यूज दे विल फॉर्म येट अनदर सेल विच विल बी हैविंग क्रोमोसोम नंबर टू एन ठीक है बट इसमें जेनेटिक डिफरेंस आएंगे क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का डीएनए जैसा का वैसा कॉपी नहीं हो रहा है जैसे इसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था आइडेंटिकल पेरेंट के पेरेंट uh, को आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते थे बट यहाँ पे क्या हुआ है फ्यूजन की वजह से नया जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स एक साथ आके कुछ एक तीसरा जेनेटिक मटेरियल बन रहा है ठीक है तो इस वजह से देर विल बी से डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच इज़ ऑकर्ड बट दैट डजेंट मीन कि कोई और ऑर्गेनिज्म ही बन जाएगा ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस रहता है नॉट ह्यूज डिफरेंस इसी वजह से नॉट एवरी चाइल्ड लुक्स एग्जैक्टली लाइक देयर फादर और एग्जैक्टली लाइक देयर मदर देयर इज़ डिफरेंस इन टू एवरी चिल्ड्रन ठीक है तो ये रीज़न है उसका सो दैट इज़ वॉट इज बीन एक्सप्लेन हियर देन सो वॉट डिफरेंस बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है तो दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप ये अच्छे से याद कर लो अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो अच्छा रहेगा सो नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व ए सिक्षण रिप्रोडक्शन में वन यहाँ पर टू है रिजेंबलेंस विद द पेरेंट दे रिजेंबल एग्जैक्टली विद द पेरेंट वेर एज ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिजेंबल एग्जैक्टली विद द पेरेंट बट इन सर्टन फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स ठीक है किसी का नाक अपने पापा के जैसा होता है बाल अपने मम्मी के जैसे होती है आँखें मम्मी के जैसे हो सकती है देर फो देर फोर देर इज समल दर रिजेंबलेंस टू द पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ठीक है देन टाइप ऑफ सेल डिविजन यहाँ पे ए माइटोटिक या फिर माइटोसिस होता है अभी ए माइटोसिस क्या है ए माइटोसिस वेन एवर माइटोसिस माइटोसिस इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन इट इज़ कॉल्ड एज ए माइटोसिस ठीक है या फिर ए माइटोटिक सेल डिवीजन देन यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन एंड मियोटिक सेल डिवीजन दोनों होती है म्योटिक स्पेसिफिकली इंटो जेने से गैमेटिक सेल्स जबकि माइटोसिस ऑकर्स इंटू सोमैटिक सेल्स न व इज सोमैटिक सेल सोम सेल इज एनी सेल अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल ठीक है तो अपने बॉडी के सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं एक्सेप्ट फॉर रिप्रोडक्टिव सेल्स देन ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम और टाइम ड्यूरेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन इट टेक्स वेरी लेस टाइम इट टेक्स मोर टाइम बिकॉज रीजन इज यहाँ पे म्यूसिस होने के लिए सेल uh, मैचोरेशन ये वो सब चीज़ें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिएशन इसमें आने के चांसेस बहुत कम या फिर नहीं के बराबर है सो हेंस इट इज एपसेंट वेर वेरिएशन इज प्रेजेंट प्रू मोर क्वान्टी इन टू सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्टिटी ऑर्गेनिजम्स हैव लेस टू द स्ट्रेस एंड एनवॉयमेंट और यहाँ पे इनकी अडेप्टिटी मोर है क्योंकि दे हैव मोर सस्टेनेबिलिटी एज कंपेयर टू ए सेक्शुअल्स

ये दोनों पोलंग्रेन एनवा ये दोनों भी बनते कहाँ पे दीज आर फॉर्म डिन टू दी फ्लार ओके तो इसीलिए इसको क्या बोला गया इट इज़ कॉल्ड एज दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट तो फ्लार इज स्पेशाइज्ड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स ऑन विच इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इंसर्टेड ओके तो आपको एग्जाम में है ना क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लार तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है ठीक है अगर आपको ये ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा देन आई जस्ट शो यू हाउ टू ड्रॉ इट सो देट यू कैन वेरी इजिली ड्रॉ इट ड्यूरिंग द एग्जाम्स ऑल्सो ठीक है तो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ क्या करना है सबसे पहले तो फ्लावर में होता है यहाँ पे फ्लावर का बेस ठीक है जिसको हम बोलते हैं थलैमस थलैमस जो है वो बोट शेप का होता है बोट जनरली ऐसी होती है है ना तो बोट शेप का थैलामस होता है थैलामस इज द ऑर्गन विच होल्ड्स एवरी फ्लोरल वोल वोल यानी कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ठीक है तो फ्लोरल वोल्स को होल्ड करने वाला एक पीस uh, है या फिर एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं थैलैमस तो थैलामस के नीचे उसके उसका पेडिसल हो सकता है या फिर पेडंकल हो सकता है तो पेडिसल एंड पेडंकल आर द पार्ट्स पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर ओके फिर उसके ऊपर आते हैं ब्राइट एंड शोई पेटल्स ओके रीजन क्या है ब्राइट एंड शोई हमेशा ब्राइट एंड शोई नहीं होती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पेटल्स आर ब्राइट एंड शोई रीजन इज फॉर अट्रैक्शन ऑफ दॉलीटर्स ठीक है और उसके पहले भी यहाँ पे दो पार्ट होती है जो कि ऐसे छोटे लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होती है थैलेमिस के ऊपर और उसके ऊपर पेटल्स ठीक है उसके बाद में इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखता है स्टिग्मा, यहाँ पे होता है स्टाइल एंड यहाँ पे होता है ओवरी ठीक है जबकि यहाँ से होता है फिलामेंट, एंड दिस इज द एंथर पार्ट ऑफ अ टिपिकल फ्लावर ओके तो ये क्या क्या पार्ट्स है जैसे मैंने पहले भी बताया तो मैं इनको यहाँ पे मार्क करते जाती हूँ एंड देन विल लेबल तो ये है थैलामस बोर्ड शेप का ठीक है थैलामस के ऊपर ये जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स है उनको हम बोलते हैं सेपल ठीक है सेप्पल्स जो होते हैं इनको हम कैलिक्स भी बोलते हैं जब उनका बंच को हम कैलिक्स बोलते हैं एक सिंगल को सेपल बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज पेटल्स जिनको हम कोरोला बोलते हैं ठीक है दिस इज एंड्रोशियम एंड्रोशियम इज द मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दिस इज गाइनोशियम ठीक है गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो ये है एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लार आपको यही ड्रॉ करना है बस एग्ज़ाम में बाकी कुछ नहीं करना है ओके तो इतना भी ड्रॉ कर लोगे तो भी आपको पूरे इसके आपके जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे आपको ओके तो कोई भी मार्क कट नहीं होगा टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लार में बस आपको इतना ही करना है ठीक है सो so, यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पेटल्स कभी कभार शोई ब्राइट हो सकती है कभी कभार दे आर वाइट और शॉर्ट और दे कैन बी इवन स्टंटेड रीज़न इज़ कि डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पोलिनेट हो रहा है फ्लावर उस हिसाब से पेटल्स जो है वो डिफरेंट काइंड की हो सकती है ठीक है सो लेट्स सी द टिपिकल स्ट्रक्चर सो टिपिकल फ्लावर हैज़ फोर वोल्स विच आर अरेंजड ऑन थैलामस तो थैलामस के ऊपर ये अरेंज है जैसे मैंने पहले भी बताया था यहाँ का थैलामस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है आप देख सकते हो ठीक है तो ऑनथेलामस फर्स्ट इज कैलिक्स एंड करोला दीज आर नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स क्योंकि ये सिर्फ एक्सेसरी ऑर्गन्स बोल सकते हैं इनको क्योंकि नॉन इसेंशियल एज सच इट इज़ नॉट नॉन इसेंशियल इट इज़ असेंशियल फॉर पॉलिनेशन जैसे इसीलिए इसको नॉन इसेंशियल बोला गया है ठीक है तो uh, ये हो गए नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स और इसेंशियल ऑर्गन्स जो कि मेन है यानी कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे इसीलिए इसको इसेंशियल यहाँ पे बोला गया है एंड दैट इज़ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ठीक है तो ये है uh, अपने चार वोल्ट्स तो ये है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रार इफ यू आर कम्फर्टेबल ड्राॅइंग दिस यू कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो नो इशूज़ सो फर्स्ट इज कैलिक्स सो कैलिक्स इट इज़ द आउटर मोस्ट वोल कंसिस्टिंग ऑफ सेप्पल्स सेप्पल्स आर ग्रीन एंड सेप्पल्स आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कैलिक्स प्रोटेक्ट्स द फ्लार ड्यूर फ्लार बर्ड वेन बिफोर इट ओपन्स ओके तो मोस्टली आपने देखा होगा रोज़ हो गया या फिर जासमंद हो गया ये सब फ्लावर्स में आपने देखा होगा कि वो कैसे दिखता है ऐसा होता है और फिर uh, बर्ड जब होता है तब ऐसा एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर उसको कवर करता है बर्ड को ठीक है और ऊपर में फिर आपको कभी कभार ऐसे खिलने वाले पेटल्स दिखाई देती है ओके सो दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ देयर ओके तो दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज हियर प्रेजेंट हियर विच इज़ प्रोटेक्टिंग द बर्ड ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज दी वॉट आई सेड वॉज कैलिक्स ठीक है या फिर सेपल्स तो सेपल्स क्या करती है जब भी, भी फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है यानी कि जब भी, भी वो से uh, नॉन डेवलप्ड स्टेज में होता है या फिर उसका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम अभी भी उसका मैच्योरिटी आने का है ठीक है तो इस कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करना तब तक जब तक वो खिलता नहीं है फ्रॉम एनवायरमेंटल हजार्ड्स फ्रॉम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस फ्रॉम से डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स ये सबसे बचाने का काम कौन करता है ये सेपल्स करती है ठीक है तो सेपल्स आर इसेंशियल फॉर दैट देन आफ्टर दिस सेपल्स के बाद उसका एक एक मेंबर जो है उसको हम बोलते हैं सॉरी एक एक मेंबर को हम सेपल बोलते हैं पूरे इसको कैलिक्स बोलते हैं तो यहाँ पे देवशन सेपल ठीक है दूसरा जो है वो है करोला करोला इज द सेकेंड वोल इनर टू द कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ पेटल्स पेटल्स आर जनरली लार्ज कलर्ड शोई करोला अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलीनेशन ठीक है तो नीच जैसे मैंने पहले भी बताया अगर ये लार्ज है शोई है ब्राइट इन कलर है तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा यू हैव सीन फ्लावर्स ऑफ से जोआर हो गया या फिर व्हीट हो गया राइस हो गया इसके फ्लावर्स अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा काफ़ी छोटे होते और उसका uh, एक बड़ा सा हम उसको बोलते हैं ना कनीस जैसा दिखता है राइट बाजरा का हुरड़ा जो होता है उसका कनीस होता है राइट तो ये जो सब चीज़ें हैं वो क्यों है क्योंकि उसके फ्लावर्स जो है काफ़ी स्टंटेड है छोटे छोटे फ्लावर्स होती है क्योंकि उसमें क्या है एयर पॉलिनेशन हो रहा है ठीक है तो ये सब कुछ जो है फ्लावर्स का स्ट्रक्चर पेटल्स uh, का स्ट्रक्चर और uh, सभी जो है ये डिपेंड करता है कि फ्लावर uh, का पॉलिनेशन किस तरह से हो रहा है सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन द फ्लावर्स पेटल्स एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट ओके देन उसके बाद आता है एंड्रोशियम सो एंड्रोशियम इज द थर्ड वॉल एंड इनर टू द करोला कंसिस्टिंग ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ कॉल्ड अ स्टामिंस ओके okay, सो so ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टैमिन उसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ईच स्टैमिन हैज टू पार्ट्स दैट इज़ फिलामेंट एंड एंथर सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस ये जो ऐसा लंबा सा फिलामेंटल दिखता है उसको फिलामेंट और उसके ऊपर हमें ऐसा लोब्ड एंथर दिखाई देता है एंथर कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स ठीक है एंड डिफरेंट टाइप्स सो so, आपको कभी कभार अब अब अपनी विसिनिटी में जो फ्लावर्स अवेलेबल है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो जैसे कि आप अगर हिबिस्कस का देखोगे तो इस तरह से कुछ आपको उसका एंथर दिखाई देगा ऊपर तो में किडनी शेप का वो स्ट्रक्चर रहता है जो कि काफ़ी येलोइश होता है ब्राइट येलो कलर का ठीक है और उसके नीचे ऐसा ऑरेंजी फिलामेंट होता है ओके या फिर अगर आप Uh, रोज में वगैरह देखोगे तो आपको ऐसा बायोलोब एंथर दिखाई देता है या फिर इवन इन टू फ्लावर्स लाइक जो रेन लिली वगैरह होती है उसमें भी आपको इस तरह से कुछ एंथर्स दिखाई देंगे कभी कभार आपने ऐसा भी देखा होगा एक एंथर ठीक है इसको वर्सेटाइल एंथर्स बोलते हैं ठीक है तो डिफरेंट काइंड्स एंड शेप्स ऑफ एंथर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट वो वापस से डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पॉलिनेशन रहता है

ओके okay. और इसके अंदर में ऐसे पोलन सेक्स होती है ठीक है और ये पोलन सेक्स जो है इसके अंदर में यहाँ पे जो सेल्स है दीज इन टू मियोसिस ठीक है ये मियोसिस करके बहुत सारे ग्रेन्स बनाते हैं एंड दे स्टार्ट अक्यूमिलेटिंग देम इन टू दिस पोलन सैक ठीक है जैसे जैसे पोलन सेक में मियोसिस करके पोलंग्रेन आगे भरते जाएंगे वैसे वैसे ये पोलन सैक जो है वो स्वेल होते जाएगा एंड अपॉन मैच्यूरेशन यानी कि जब भी, भी फ्लावर खिलता है तो अपॉन मैच्यूरेशन दिस पोलन सेकेट ब्रेक्स द एंथर ब्रेक्स एंड ऑल ऑफ द पोलन ग्रेन्स दे आर डिपॉजिटेड ऑन दर्फेस ऑफ द एंथर तो अकॉर्डिंग टू पोलिनेशन फिर वो उनको स्प्रेड किया जाएगा ठीक है तो इस तरह से कुछ प्रोसेस है अभी ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा दिख रहा है मतलब कैसे है, ये ऐसा है एंथर ये और यहाँ से उसका फिलामेंट नीचे ठीक है तो ऐसा कुछ दिखता है अंदर देन सो इट प्रोड्यूसंग्रेन टू मेल गैमेट्स तो वो हम डिटेल बाद में और पढ़ेंगे फोर्थ एंड मोस्ट इनर मोस्ट वर्ल्ड इज कार्पल सो कार्पेल इज़ गाइनोशियम उसको दूसरा नाम कार्पेल है एंड्रोशियम का दूसरा नाम स्टेमिन है ठीक है सो कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, ईच कार्पेल हैज़ थ्री पार्ट्स स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ठीक है तो कार्पेल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर में ऐसा रिसेप्टिव स्टिग्मा होता है जो फॉलो बॉय लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड इज स्टाइल एंडिंग अप इंटू अन बेस कॉल्ड इज द ओवरी ठीक है ये कुछ ऐसा होता है स्टिग्मा जो है काफ़ी स्टिकी होता है वेलवेटी होता है आ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ठीक है सो ओवरी इज इसम बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल इट कंटेन्स इनसाइड इट विच आर अटैच टू अ प्लसेंटा ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोस एग दैट बेर्स एन हैप्लाइड एग दैट इज फीमेल गैमेट स्टाइल इज द मिडल पार्ट ऑफ द कार्पल इट हैज़ स्टिग्मा अबाउ इट एंड

और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में यहाँ पे एग सेल होता है ठीक है तो फ्रॉम पोलन ग्रेन द मेल गैमेट हैज टू कम डाउन टिल दिस एग एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ठीक है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ये आपको एग्जाम में नहीं आता है बोर्ड एग्जाम्स में ये आपको बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है ठीक है तो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ से ए एलिस ऑफ ओव्यूल यानी ओव्यूल के अंदर कैसा होता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्ब्रियो सैक है एम्ब्रियो सैक यानी कि क्या दो uh, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली ओव्यूल के अंदर या फिर ओवरी के अंदर एक सेल मैच्योर हो जाता है टू प्रोड्यूस अ ओव्यूल तो ये जो ओव्यूल प्रोड्यूस करना है उसके लिए फिर जाके वो सेल क्या करता है सेल डिवीजन स्टार्ट करता है सो so, वहाँ पे वो सेवन सेल एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है सो व्हाट इज अ सेवन सेल एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस मैं इसको थोड़ा सा और जूम ड्रॉ करती हूँ ठीक है तो इट प्रोड्यूसेस समथिंग लाइक दिस यहाँ पे वो तीन सेल प्रोड्यूस करता है एट वन एंड ठीक है तो यहाँ के सेल्स के तीन न्यूक्लियस वन टू थ्री तीन सेल यहाँ फिर तीन सेल नीचे एंड यहाँ पे बीच में दो सेल सॉरी बीच में एक ही सेल होता है एक्चुअली बट यहाँ पे दो न्यूक्लियस है ठीक है तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो टू तो ये स्ट्रक्चर क्या है तो ये स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ऊपर के जो तीन सेल है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स एंटीपोडाल सेल्स जो है वो आ, वहाँ पे उसको सपोर्टिंग बोल सकते सेल्स ठीक है और नीचे के जो दूसरे दो सेल्स है दो सेल्स नहीं है इराधा एक सेल और दो न्यूक्लियसेस है अब यहाँ पे अब न्यूक्लियस काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट न्यूक्लियसेस है जबकि सेल कितने हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके सो सेवन सेल स्ट्रक्चर एंड एट न्यूक्लियसेस तो यहाँ पे जो सेंट्रल सेल्स है विथ टू पोलर न्यूक्लिया तो ये जो सेंट्रल सेल है इसको मेल गैमेट का एक सेल आके फ्यूज़ हो जाता है जिसके थ्रू इसमें आ, ट्रिपल सेल कंडीशन फॉर्म हो जाती है और ये ट्रिपल सेल कंडीशन फूड डिमांड काफ़ी बढ़ा देती है वहाँ पे और उसकी वजह से वो स्टोरेज फूड एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए फूड प्रोवाइड करने का काम करता है और फिर इसके नीचे वाले जो सेल्स है दैट इज़ दीज थ्री सेल्स तो इसमें से ये वाले जो दो सेल्स हैं उनको साइनर्जिट सेल बोलते हैं ये सपोर्टिंग सेल्स है और ये वाला सेल जो है वो एग सेल होता है जिसमें जाके मेल गैमेट फ्यूज होता है और फिर एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो इसमें बन रहा है इसीलिए इसको एम्ब्रियो सैक बोला गया है ठीक है अब ये माइक्रोपाइल क्या है तो माइक्रोपाइल इज द एंड फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब एंटर्स ठीक है और इसके जो इंटीग्यूमेंट बोला गया है ये लेयर्स जो है ये वाला ये वाला लेयर जो है दीज आर द इंटीग्यूमेंट्स इंटीग्यूमेंट्स आर इसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस एम्ब्रियो है ठीक है तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो आप पढ़ लेना अगर डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी यू कैन ऑल्सो डू इज एक सिंपल सा चीज़ कर सकते हो आप अपने लिए अब आराम से बैठो घर पे अगर आपके बगीचा होगा गार्डन होगा एंड ऑब्जर्व द फ्लावर्स for All of these things, okay. Uh, I think we had done this experiment in class 8th or 9th, also. If I don't, I'm not sure, so um, uh, I can't, I'm not having any availability of flower today. But uh, if I'll have availability of flower any sooner, then we, I will do a practical and show you all of these floral walls into hibiscus, okay. Then pollination.

सेल्फ पॉलिनेशन यानी अपना फ्लावर जो है ठीक है उसके पास ही स्टिग्मा है उसके पास ही एंथर है उसका ही एंथर का ग्रेन उड़ के उसका ही स्टिग्मा पे गिर गया ठीक है और उसका पॉलिनेशन हो गया देन इट इज कॉल्ड है सेल्फ पॉलिनेशन तो सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ चेंज आया है कुछ भी नहीं एक ही सेम आ, प्लांट का फ्लावर है उसी के उसी का आ, स्टिग्मा ठीक है तो इसमें क्या हो गया सेल्फ पॉलिनेशन बट ये हो गया ऑटोगेमी ऑटोगेमी क्योंकि उसका खुद का ही एक ही फ्लावर का और स्टिग्मा बट कभी कभी ऐसा हो सकता है ये ब्रांच ऑफ प्लांट है और एक फ्लावर यहाँ पे है ठीक है और एक फ्लावर यहाँ पे है और फिर इसके पोलन ग्रेन केमेंट गॉड डिपॉजिटेड हियर ठीक है बट सेम प्लांट का है तो कुछ जेनेटिक चेंज नहीं है तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेल्फ पॉलीशन सोहेंस इट इज़ कॉल्ड लेस बट क्योंकि दो डिफरेंट फ्लार है तो इसीलिए इसको कॉल है गिटिनोगेमी ठीक है बस इतना ही डिफरेंस है बाकी कुछ नहीं देन क्रॉस पॉलिनेशन मैनी वो ट्रांसफर ऑफ पोलंग्रेन फ्राम एंथरा टू स्टिगमा ऑफ टू डि टोटली डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड एज सेम स्पीसीज ऑफ मैंगो या फिर बट अलग अलग प्लांट्स यानी कि एक, plant एक प्लांट एक जगह दूसरा प्लांट दूसरी जगह है और फिर उनमें पोलिनेशन हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलीनेशन एजेंसीज ऑफ पोलिनेशन यानी कि पोलिनेशन करने के लिए कौन कौन हेल्प करता है राइट right? तो उसमें आते हैं एजेंट्स लाइक विंड वाटर एनिमल बहुत सारे uh, उसमें फैक्टर्स uh, आते हैं या फिर एजेंसीज आती है अनइमेजनेबल भी कभी अब हम नहीं सोच सकते बट देन वो हम कैसे उसमें इन्वॉल्व हो गए तो ह्यूम ऑल्सो आर वन ऑफ दी पोलिनेटर्स ओके तो ये भी याद रखो सो एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन कैन बी बायोटिक और ए बायोटिक तो बायोटिक एजेंसीज़ में आते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स इंसेक्ट में तो सबसे फेमस है बीज ठीक है या फिर इसको हम बोलते हैं एंटमोफिली बर्ड्स में आता है ऑर्निथोफिली ठीक है या फिर बैट्स चरप्टरोफिली ठीक है तो ये जो है बैट्स वाला आ, हो गया या फिर जाके बर्ड्स वाला हो गया इसके अलावा स्नैक्स वाला होता है एंट्स वाला होता है स्नेल्स वाला होता है ठीक है तो बहुत सारे वेज ऑफ पॉलिनेशन है एंड देन देर इज़ एबायोटिक एजेंसीज एबायोटिक एजेंसीज में आते हैं वाटर एंड विंड ठीक है तो एनिमोफिली भले ही लगता है वो एनिमल्स है बट इट इज़ नॉट एनिमल्स एनिमो इज़ विंड एंड एंटेमो इज़ इंसेक्ट ठीक है एंड हाइड्रो इज वाटर सो हाइड्रोफिली बर्ड में पॉलिनेशन का एग्जाम्पल इज हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड आपने देखा होगा जनरली वो नेक्टर कलेक्शन के लिए जाता है राइट तो उस कंडीशन में वो ट्यूबुलर फ्लावर जो होते हैं जनरली उनका पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं सो सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लाइट ब्राइट कलर फ्लावर जैसे मैंने पहले भी बताया था ब्राइट कलर फ्लावर इज मेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड हेल्प्स इन पॉलिनेशन व्हाइट कलर शाइन इन डार्क विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट एट नाइट सिमिलरली ब्राइट कलर डीज कलर डे ब्लूमिंग फ्लावर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट तो आपने मोस्टली देखा होगा रात में जो फ्लावर्स खिलते हैं ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन होता है ना जैसे वो फ्लावर जो है जैसे फॉर एग्जांपल रात रानी जिसको बोलते हैं या फिर जाके मोगरा हो गया जाई जासवन नॉट जाई का फ्लावर हो गया या फिर इवन um, दिस ब्रह्म कुमर जिसको बोलते हैं राइट ये फ्लावर्स जो है वो काफ़ी ब्राइट शोई वाइट कलर के होते हैं एकदम सुपर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं ये एंड दिस स्मेल ट्रिमेंडसली गुड राइट तो रीज़न क्या है पॉलिनेशन ठीक है तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का स्ट्रैटेजी है उनका और ये लोग रात में खिलते हैं इसीलिए ब्राइट रात में कौन सा कलर होने वाला है रात में एक ही कलर ब्राइट हो सकता है दैट इज़ व्हाइट तो इसी वजह से ये लोग वाइट भी है और दिन में खिलने वाले फ्लावर्स हिबिस्कस बिस्कस रोज़ ये सब लोग फ्लावर्स जो है ये लोग दे आर वेरी कलरफुल एंड हैविंग वेरी शोई पेटल्स एंड लुक वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज डे टाइम में तो सभी कलर खिल के दिखते हैं ओके देन दैट्स गो टूवर्ड्स द मेन पार्ट जो आपको थ्योरी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज फर्टिलाइजेशन ठीक है तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ये इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रिय लोकेशन प्रेजेंट इन दूल ठीक है तो ये डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट का ना आफ्टर पॉलिनेशन पोलग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग पोलन ट्यूब दैन न्यूक् न्यूक्लियस इन द पोलन ट्यूब डिवाइड्स इंटू टू मील गैमेट्स पोलन ट्यूब पेनेट्रेट्स द स्टिग्मा एंड पासिस थ्रू द स्टाइल एंड देन एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल इट रिलीजिस टू मेल गैमेट्स इन द एम्ब्रिय एग वन गैमेट फ्यूजेस विद द एग अनदर फ्यूजेस विद द

है ना कि एंथर के अंदर में यहाँ पे कौन होता है यहाँ पे होते हैं उसके पोलन सैक्स ठीक है और ये जो पोलन सैक है उसके अंदर कौन है उसके अंदर में यहाँ पे मियोसिस करने वाले सेल्स है ठीक है सो उनको क्या बोला है स्पोरोजीनस टिश्यू क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने वाले हैं गेटिंग इट देन तो इनको हम स्पोर मदर सेल भी बोलते हैं ठीक है ठीके? जो क्या करता है मियोसिस करता है और मियोसिस करके क्या बनाता है पोलग्रेन बनाता है तो पोल ग्रेन जो है इसका स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का पोलिनेशन है जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल पोल ग्रेन का ये जो ऊपर का कवरिंग है ठीक है उसके ऊपर दो कवर होते हैं जनरली एक होता है एक्जाइन और उसके अंदर में एक और कवर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटाइन ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का एग्जाइन एंड इंटाइन का ये काफ़ी टफ होता है ठीक है इट प्रोटेक्ट्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम ऑल हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन इट प्रोटेक्ट्स द मेल गैमेट फ्रॉम ट्रैवलिंग इन टू सच लॉन्ग डिस्टेंसेस इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बींग कैरिड ऑन द इंसेक्ट बॉडी सबसे प्रोटेक्शन के लिए ये हेल्प करने वाले लेयर है ठीक है दैट इज़ एग्जाइन एंड इंटाइन ओके एग्जाइन एंड इंटाइन के बीच बीच में ऐसे कुछ गैप्स होती है जिसको हम पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है ठीक है तो वो कुछ ऐसा है, इतने बड़े नहीं होते हैं बट स्टिल आपको समझने के लिए मैंने उसको ड्रॉ किया वैसा जैसे मैं पहले भी बता रही थी दिस इज एग्जाइन एग्जाइन इज वन ऑफ द दफेस्ट मटेरियल बायोलॉजिकल मटेरियल नोन ठीक है तो दिस इज इन टाइम एंड इनसाइड दिस यू विल फाइंड टू सेल्स लाइक दिस यहाँ पे एक सेल और यहाँ पे एक सेल ठीक है ये दो सेल्स होते हैं जनरली तो ये ऊपर वाला सेल जो है उसको हम बोलते हैं सो दिस वन इज कॉल्ड एज ए जनरेटिव सेल इज कॉल्ड एज ए ट्यूब सेल जो कि पोलन ट्यूब बनाता है वो बताऊंगी क्या होता है पोल ट्यूब और जैसे मैं बात कर रही थी कि पोलंग्रेन के बारे में तो पोलंग्रेन जो है वो अकॉर्डिंग टू किस तरह से उसका पॉलिनेशन हो रहा है उसका एग्जाइन उसके ऊपर से डिपेंड करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंसेक्ट पोलिनेटेड है तो इसके ऊपर आपको ऐसे कुछ हॉन थॉर्न के जैसे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे विच विल हेल्प इट टू स्टिक ऑन द फीट ऑफ द इंसेक्ट ठीक है अगर ये विंड uh, पॉलिनेटेड है तो ये काफ़ी ऊपर से स्मूद होता है विदाउट एनी थिंग ओके तो वो विंड पॉलिनेशन के लिए वाटर के लिए वो कुछ अलग रहेगा ठीक है तो इसे उस हिसाब से उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी होता है सो दिस इज़ अबाउट पोलनग्रेन इतना डिटेल तो आपको है नहीं बट स्टिल देन ओव्यूल में क्या हो रहा है ठीक है तो ओव्यूल में भी सेम है ओव्यूल में मैंने जैसे बताया था एक सेल मैच्योर हो जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए मेगा इज फॉर फीमेल माइक्रो इज़ फॉर मेल ठीक है तो मेगास्पोरोजेसिस के लिए एक सेल रेडी हो जाएगा मियोसिस हो जाएगा उसमें से फंक्शनल मेगा स्पोर बनेगा दैट विल गिव रेस्ट गिवरेज एम्ब्रियोसैक एम्ब्रियोसैक तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके बताया था आपको कि क्या होता है ठीक है तो ग्रेन आएगा पोलिनेशन के लिए पोलिनेशन के लिए आएगा और ये यहाँ पे स्टिग्मा पे रिसीव हो जाता है स्टिग्मा पे जनरली एक यहाँ पे ऐसा अपने स्टिग्मा को कभी अगर हाथ लगाया होगा तो आपने फील किया होगा कि वाटर ही लगता है या फिर ऐसे स्टिकी कुछ लगता है ठीक है तो यहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ सुक्रोज होता है ठीक है सो दैट हेल्प्स एक्चुअली फॉर दिस पोलन ट्यूब टू फॉर्म ठीक है तो क्या होता है कि जैसे ही एक पोलंग्रेन आके यहाँ पे स्टिग्मा पे गिर जाता है तो जो पोलंग्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स थे है ना तो वो क्या करता है सपोज दिस इज अ पोलंग्रेन ठीक है तो वो वाटर जो था uh, सुक्रोज सोल्यूशन वो उसके अंदर घुसना शुरू हो जाता है यहाँ से ठीक है इट बिल्ड्स अ प्रेशर इनसाइड तो इसकी वजह से क्या होता है ये ट्यूब सेल क्या करेगा ये खुद को इस जगह से पुश करके बाहर निकालना शुरू करेगा ऐसे ठीक है तो ये न्यूक्लियस जो है वो भी उसके साथ नीचे आने लगेगा ठीक है तो ये ट्यूब वैसे ही यहाँ से वो नीचे जा रही है समझ में आ रहा है तो दैट इज हाउ पोलन ट्यूब इज फॉर्मड सो so, पोलन ट्यूब कम्स डाउन कैरिंग द मेल गैमेट जो जनरेटिव सेल था तो जैसे जैसे ये नीचे आती जाती है वैसे वैसे यहाँ पे ये जनरेटिव सेल जो है यहाँ पे सेल डिवीजन करना शुरू कर देता है ठीक है यहाँ पे वो जनरेटिव सेल ट्रैवल करते जाएगा और करते करते वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है ट्यूब के अंदर में इट डिवाइड्स इन टू टू सेल्स ठीक है अब दो सेल में डिविजन करने के बाद यहाँ पर मेल गैमेट वन बनेगा और यहाँ पर बनेगा मेल गैमेट टू ठीक है तो दो मेल गैमेट बनेंगे पहले अपने पास जनरेटिव सेल एक ही था ठीक है तो एक सेल में से डिवाइड होकर दो सेल्स बनेंगे और फिर ये दो सेल्स ये ट्यूब में से नीचे ट्रैवल करना शुरू करेंगे और नीचे ट्रैवल करते करते दे विल रीच स्टिल द माइक्रोपाइल एंड ओके एंड माइक्रोपाइल में जाके ये ट्यूब बर्स्ट हो जाता है साइनरजेड्स उसके साथ डिजनरेट हो जाती है दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाती है यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लरी है बट यहाँ पे दो मेल गैमेट रिलीज हो रही है तो ये दो मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे एक जाके एक के साथ फ्यूज हो जाएगा एक जाके जो बीच वाला दो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर था उसमें जाके फ्यूज हो जाएगा इसीलिए इसको बोला है डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है समझ में आया क्योंकि दो मेल गैमेट्स फ्यूज हो रही है तो इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन देन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलॉइड न्यूक्लियस दैट इज एंड एंड फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जय गोड ठीक है तो ये सब चीज़ें हो रही है अब यहाँ पे फेट ऑफ दी फर्टिलाइजेशन दिखाई दे रहा है यानी कि ओवरी का क्या होगा सो एज सुन एज द फ्यूजन ऑकर्स वहाँ पर सिग्नल आ जाएगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो ओवरी है जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारा फूड एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगी दैट विल कन्वर्ट इन टू फ्रूट ठीक है ओव्योल जो था उसका सीड बनेगा ठीक है एम जो अपना वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब हुआ एग का उसका जाइगोड बनेगा जाइगोड से एम्ब्रियो बनेगा ठीक है और जो डिप्लॉयड सेल था उसका ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस सेल बन गया तो उसमें से एंडोस्पर्म बनेगा एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करेगा वो उसको वो खर्चा कर देगा ठीक है तो बाद में जाके बचा क्या एम्ब्रियो सीड एंड फ्रूट ओके सो दिस इज़ द फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो ये है एंटायर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन टू प्लांट्स सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या आती है सेपल, पेटल स्टैमेन सब कुछ सूख कर गिर जाता है स्टाइल एंड स्टिग्मा भी डिजेनरेट हो जाती है ओवरी का फ्रूट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ओवरी स्वेल्स ठीक है ओव्यूल का सीड फॉर्मेशन हो जाता है और फिर सीड्स कंटेन कंटेन द फ्यूचर ऑफ द एम्ब्रियो और प्लांट विच डेवलप टू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रियट कंडीशन सो दिस इज़ हाउ टॉकर्स तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि क्या क्या हो रहा है सो so, वही सेम इन्फॉर्मेशन है बस इसको और थोड़ा सा ईजियर फॉर्मेट में बताया गया है यू कैन जस्ट गो थ्रू इट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन देन मैसेज मी ठीक है सो एंडोस्पर्मिक सीड यानी मैं एंडोस्पम के बारे में बता देती हूँ ठीक है सीड के बारे में तो so, सीड्स जो है जनरली दो टाइप्स की होती है एक होती है मोनोकॉट सीड ओके और दूसरा है डाईकॉट सीड तो मोनोकॉट सीड जो है उसमें एक ही सीड होता है या फिर एक ही कॉटिलेडोन होता है यहाँ पे उसका एम्ब्रियो जनरली होता है और ऐसा एरिया कुछ होता है जो हमें दिखाई देता है और यहाँ पे यहाँ पे स्टोरेज फूड होता है उसका ठीक है तो या फिर डायकॉट में जनरली दो कॉटिलेडोन्स होती है और यहाँ पे उसका एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो में जनरली यहाँ पर रेडिकल और प्लीम्यूल होता है इसमें यहाँ पर होता है ठीक है तो ये जो कॉटिलेडॉन्स है ये भी प्राइमरी जब भी से सीड को से उसको टाइम मिल गया है ना कि ग्रोथ के लिए या फिर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गए तो वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस करना शुरू नहीं कर सकते तो उसको जमीन में से ग्रो होना है वहाँ पे से उसको रूट फॉर्मेशन करना है उसको शूट फॉर्मेशन करना है उसको लीफ फॉर्मेशन करना है फिर फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये टाइम पीरियड के लिए उसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए उसका कॉटिलेडॉन है ओके तो कॉटिलेडॉन इसीलिए उसको हेल्पफुल है तो इसीलिए एक तो उसमें मोनोकॉटिलोडोनस रहेगा या फिर डाई डिपेंडिंग ऑन द प्लांट का टाइप ठीक है अब आपने जनरली देखा होगा नट में ठीक है ग्राउंडनट सीड आपने देखा होगा तो वो कुछ इस तरह से उसका कॉटिलेडॉन होता है ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको उसका एम्ब्रियो दिखाई देता है और यहाँ में बीच में ऐसी रिज दिखाई देती है कैशू में भी दिखाई देती है ठीक है जो कि खाली होती है ऐसा एक नॉच होता है खाली सा ठीक है तो ये जो खाली नॉच है दिस वॉज़ दी एरिया ऑफ़ दी एंडोस्पर्म यानी कि जो ट्रिपल न्यूक्लियस ने उसके लिए फूड बना के रखा था एम्ब्रियो के लिए वो यहाँ पे होता है तो ये एम्ब्रियो बनते वक्त ये फूड पूरा खा लेता है ठीक है तो उसकी वजह से वो पूरा एम हो जाता है और बचा क्या है अपने को देखने के लिए सिर्फ वहाँ पर वो ऐसी खाली एम रिज दिखाई देती है ठीक है तो कुछ सीड्स होती है वो एंडोस्पर्मिक सीड हो सकती है जिसमें एंडोस्पर्म आवे भी बाकी है कुछ सीड्स जो होती है वो नॉन इंडोस पर मिक्स सीड्स होती है ठीक है सो दिस इज़ बिन टोल्ड ईयर नथिंग अदर देन दैट तो आई होप उतना आपको समझ में आ गया है अगर कुछ डाउट होगा देन यू कैन मार्क योर डाउट्स वी विल हैव अ डाउट सेशन लेटर ऑन और इसके अलावा कुछ भी अगर आपको पूछना है देन यू कैन मैसेज मी अल्ट्रा एंड एड्रेस एज सुन एज पॉसिबल ठीक है सो गो थ्रू दिस क्लास मेमोर टाइम इफ यू हैव एनी डाउट्स इट इज़ क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड नथिंग uh, कुछ ऐसा एकदम रॉकेट साइंस जैसा तो है नहीं कि ये नहीं समझ में आएगा ऑल्सो प्लीज़ डू टेक आउट टाइम गो टू योर गार्डन्स गो टू योर प्लांट्स सी एनी ब्यूटिफुल फ्लावर जहाँ पे भी खिल रहा होगा और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो क्या क्या उसके पार्ट्स हैं कैसे कैसे उसके पार्ट्स हैं uh, मुझे जैसे ही फ्लावर की अवेलेबलिटी हो जाएगी आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन द सेंट पोस्टेड सो टिल देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो Chalo, we'll stop here for today. I'll see you in the next class. Bye-bye.